लता मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी मैम, नमस्ते जी। नमस्कार, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, मुझे बात करनी है। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ जी, मेरे पेट में गांठ है, मेरे दर्द रहता है। गांठ बताइए क्या डॉक्टर ने, और कहाँ पर, कौन से हिस्से में बताइए। जी पेट में मेरे गांठ रहती है, जैसे प्रेगनेंसी। अच्छा, आपकी ओवरीज में, ओवरीज में गांठ, आपकी ओवरीज में गांठ है। जैसे प्रेगनेंट जी, मैंने 2 अल्ट्रासाउंड भी करवा लिए, उसमें तो हाथ की कि मुझे 1.5 महीना जैसे प्रेग्नेंट होते हैं नहीं ये, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, तो मैंने जैसे चाय से बादाम खा लिए थे, चाय से बादाम खा लिए थे, तो मतलब वहाँ से जगह छोड़ दी थी बच्चे ने। अच्छा, आपकी एज कितनी है? जी 32। हाँ, अच्छा देखिए, बेशतर ज़्यादातर फीमेल्स को यानी महिलाओं को 2 जगह गांठें तकरीबन अनिवार्य हैं, यानी ज़रूरी हैं। एक तो बच्चेदानी में और एक पिस्तान में यानी ब्रेस्ट में, और ये गांठें अपने आप घुल भी जाती हैं। जब तक कोई तकलीफ ना हो इनको ऑपरेट नहीं कराना चाहिए। और जैसे वो महिला जिनको प्रेगनेंसी रह जाती है तो वो उसकी हिफाजत करें। और अक्सर जो रिज़ल्ट आया है तजर्बे में कि जब किसी महिला की डिलीवरी होती है तो उसके बाद वो गांठें अपने आप गायब हो जाती हैं, चाहे उनके ब्रेस्ट में हो चाहे उनकी ओवरीज में हो। तो कोशिश करिए, अगर प्रेगनेंसी रह जाती है, जैसे आपने कहा 1.5 महीने में रह गई थी, तो उसको हिफाजत करें, 4 महीने तक ज़्यादा हिफाजत करें। उस वक्त में कोई और चीज़ ऐसी ना खाएं, जैसे पपीता, बहुत ज़्यादा हल्दी या वज़न कम करने की दवाएं अक्सर लोग खाते हैं, तो वो नहीं खाएं, क्योंकि उससे बच्चे के गिरने का ख़तरा रहता है। तो अगर आपकी ये प्रेगनेंसी दोबारा होती है उसकी हिफाजत करें, और जब आपको कोई औलाद पैदा होगी उसके बाद ये खुद ठीक हो जाती हैं। आपको अगर फिर भी उसको गलाने के लिए कुछ दवा चाहिए तो देखिए, प्रेगनेंसी आपको नहीं होनी चाहिए उस वक्त में, इसे आप ले सकते हैं। तो एलोवेरा का सिरका 2-3 चम्मच, छोटे चाय के चम्मच, गर्म पानी में डाल के रात को सोते वक्त लिया करिए, तो आपको बहुत फ़ायदा मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर है नीलम दिल्ली से हमारे साथ, स्वागत है नीलम आपका। हाँ जी जी, बताइए। मुझे रात को मैडम नींद नहीं आती। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे, कितनी उम्र है? मैं 60 साल की। ठीक है। अच्छा देखिए, एक बड़ी अच्छी नींद की दवा है, और वो सुकून बहुत देती दिमाग को, और इतनी गफलत की नींद आती है कि आदमी समझता है कि हाँ आज मैं अच्छे से सोया हूँ। उसके लिए आप देखिए, एक सिरका आता है जैतून का सिरका, वो छोटे चाय के 3 चम्मच 1 गिलास पानी में डाल के, जब आपको सुकून चाहिए, जिस रात अच्छी नींद चाहिए, वो पी के सो जाया करिए। इसके पीने के आधा घंटे में ही आपको इतना सुकून दिमागी मिलता है, और आप ऐसे बैठे बैठे खिसकते चले जाते हैं लेटने के लिए, और फिर आपको सुबह आँख खुलती है, बहुत फ्रेश उठते हैं आप। तो ये आप कोशिश करके देख लें, मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, मैं जगदीश बोल रहा हूँ, बोकारो झारखंड से। जी जगदीश भाई नमस्कार सर। जी साहब, मेरी वाइफ साल भर पहले बाथरूम में गिर गई थी, तो लुम्बर में, लुम्बर और जो L1 L5 रहता ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया था जी। तो एनीवे कुछ एलोपैथिक ट्रीटमेंट करा के रेस्ट में रखे थे, उसके बाद बीच में इधर में पेट फूलने लग गया। पेट फूलने, जब बैठती है शाम के टाइम में तो फूल जाता था पेट। तो आपके वहाँ एक दिन बात किए थे हम, उन्होंने गोंदसिया मेरे पास में भेजा है। ठीक है। और 2 प्रॉब्लम है, उनको पार्किंसन भी डिसीज थोड़ा शुरू हो गया है,
और बाल भी झड़ता है। वो 70 साल उम्र है सर उसकी। अच्छा हाँ अच्छा, शुरू किया आपने ये नस्खा शुरू? हाँ, गोंसिया 10 दिन से शुरू किए हैं सर। बहुत आराम है, वो पेट जो फूला था वो खत्म कर मोटा मोटी बहुत कम हो गया है। बहुत ही फायदा है सर, इसीलिए मैं डायरेक्ट बात करना चाहता था आपसे। अरे बहुत अच्छा किया आपने फीडबैक दिया, दरअसल लोग विश्वास करते हैं। और आप यकीन करें कि ये जो आपने कितना गोंसिया लिया था आपने, देखिए जितना भी आपने 100-200 ग्राम लिया होगा और 10 दिन में आपको बहुत फ़ायदा है। देखिए मैं यही चाहता हूँ कि हर शख्स को इसके फ़ायदे के बारे में पता चले। और ये ख़त्म होने से पहले आपकी धर्मपत्नी, चूँकि इतने उम्र है, उम्र वालों को ये होता है 50 के बाद 40 के बाद ये शुरू हो जाता है, और 73 साल की हैं वो, उनको ऊपर वाला सलामत रखे और वो आपकी जीवन साथी हैं। आपने उनके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया कि उनका दर्द कम कर दिया, उनका पेट ठीक कर दिया। ये अभी तो ये ख़त्म होते होते आपकी धर्मपत्नी आपके सारे काम करने लगेंगी। अभी तो दर्द था, कुछ नहीं करते थे, लेकिन सारे काम अंजाम देने लगेंगी। लेकिन एक बात मेरी ज़रूर माने कि घर में अगर ये नहीं हो ना वेस्टर्न टॉयलेट, तो वो ज़रूर लगवा लें। और उनसे कोई ऐसा काम ना लें बहुत मेहनत का, उनकी उम्र काफ़ी है, जैसे पोंछा लगाने का या ज़मीन में बैठे कपड़े धोने का। किचन वाले सारे काम उनसे कराएं इस उम्र में, वहाँ पर जोर पड़ेगा ऐसे कामों का। चलिए नेक्स्ट कॉलर हैं नागपुर से, नेहा हमारे साथ, स्वागत है नेहा आपका। नमस्ते, वो जी? मुझे मेरी बहन के लिए पूछना था। जी जी, वो मेरी सिस्टर पूजा गुप्ता है, उसे नींद नहीं आती है और थोड़ा डिप्रेशन हो गया है। ठीक है ठीक है। हाँ देखिए, डिप्रेशन भी आज का बड़ा अहम मर्ज है और WHO के मुताबिक ये बढ़ता ही जाएगा। हमारी ख्वाहिशात काफ़ी हैं और हमारी ज़रूरत तो बहुत कम है। हमारी ज़रूरत तो 2 रोटी की है, लेकिन हमारी ख्वाहिशात की इंतहा नहीं है। तो ख्वाहिशात पे कंट्रोल करना चाहिए हमें, और हालात से मुकाबला करने की ताकत हम में होनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, आप बना लें खुद और उनको, बहन को तोहफ़तन दे दें, उनका ठीक होना मुमकिन है। देखिए, धनिया 300 ग्राम, छोटी हड़ 100 ग्राम, आंवला 100 ग्राम और छोटी इलायची 20 ग्राम और आपको लेना है ये सब आपको लेना है, और इसमें गौंद मोरिंगा 100 ग्राम मिलाना है, पाउडर बना लेना है, और 3-4 ग्राम सुबह निहार मुँह सादे पानी से या गर्म पानी से दीजिए, 3-4 ग्राम शाम को और सुबह को देना है, और 1 घंटा पैदल ज़रूर चलना है। 1 घंटा पैदल चलने से भी काफ़ी डिप्रेशन दूर होता है। और आप उनका दिल अपने हाथों में रखिए, कुछ दिन उनका साथ दीजिए, फिर वो ठीक हो जाएंगे। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अजय झारखंड से हमारे साथ, स्वागत है अजय आपका। जी जी मैडम जी, बताइए। मेरा घुटना में आज 4 साल से दर्द है मैडम। तो और वो जो है ना कड़कड़ कड़कड़ की आवाज भी होता है। आयु बताइए, अपनी एज बताइए। एज मेरा 52 है। देखिए ज्यादातर लोग जो हमसे जुड़ते हैं उनमें 40+, 50+ ऐसे लोग होते हैं, और इस उम्र में ये दर्द होना कोई ताज्जुब की बात नहीं है, हर शख्स को होता है। और इसका इलाज भी बड़ा आसान है। एक तो वो इलाज है जो आप 4-5 साल से कर रहे हैं, दर्द हो गया गोली खा ली ठीक हो गए, फिर हो गया फिर खा ली, लेकिन उसके नुकसान बहुत हैं ऐसी दवाओं के जो फौरन आपको ठीक करते हैं। ये अभी आप देख रहे थे, इससे पहले जो फ़ोन आया था एक साहब का, उन्होंने अपनी 75 साल पत्नी के लिए जो दवा मंगाई थी वही दवा आप मंगा लीजिए, यानी गोंसिया 100-200 ग्राम खरीद लें, आधा ग्राम सुबह शाम खाएं। और अक्सर इसके रिजल्ट ऐसे हैं कि ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने से पहले
मरीज को फायदा मुमकिन होता है। तो चलिए, फ़ायदा तो बहुत होगा आपको, लेकिन उसके लिए आपको ये घरेलू नुस्खे अपनाने होंगे। और अगर आपको मार्केट में रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है तो आप हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, लेकिन एकदम से नहीं आएगी, आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि असली चीज़ ही आप तक पहुंचाई जाती है। और फिर जब आप उसका सेवन करते हैं परहेज़ के साथ, तो आपको लाभ ज़रूर मिलता है, आप नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार सेहतमंद हो सकता है। हकीम साहब अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी रोग संबंधी आप लोग सवाल करना चाहते हैं, नुस्खे जानना चाहते हैं, ऐसे नुस्खे जो आपके घर से ही शुरू होते हैं, जो आप घर बैठे बैठे बना सकते हैं, तो फिर किस बात की आप लोग देरी कर रहे हैं। सीधा कॉल कीजिए, फोन उठाना है, नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, नंबर इन्हीं पे ही आप संपर्क साधिए दर्शकों। और अगर आपका कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही है? नाम मेरा पुष्पैया है, उसने पता नहीं चला पूरा, एक तो चार पांच पांच बीमारियां हैं, आपने एक उसे बताई है। देखो, कब्ज गैस, उम्र भाई 70 साल, कब्ज गैस है ये। हेलो जी जी, बताइए बताइए। दूसरा थायराइड है जी, और बीपी है 25-30 साल से, थायराइड बीपी कब्ज गैस सारे शरीर में सैटिका दर्द वगैरह आएगी। और चलिए, आपकी उम्र क्या बताई आपने? उम्र 77 जी। ठीक है, पता नहीं आप नुस्खा लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे, कोई है तो उससे कहिए कि लिख ले और समझ ले पूरे नुस्खे को। और देखिए, सारी बीमारियां मुझे आपकी याद हैं, और उसको बनाना ऐसा है नुस्खे को कि धनिया और लीजिए 100 ग्राम, सौंफ 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, और अजवाइन 100 ग्राम, और इसमें आपको मिलाना है 100 ग्राम कलौंजी का नमक, नमक कलौंजी भी कहते हैं, और इसको घर में पाउडर बनाना, बाहर से पिसा पिसा लाएंगे तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, घर में कहीं से भी खरीदें, घर में लें, साबुत लें और पाउडर बनाएं, और एक छोटा चम्मच चाय का भर के 3-4 ग्राम की क्वांटिटी में सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले और शाम को भी इसी तरह खाने से आधा घंटा पहले गर्म पानी से लें, और गर्म पानी 5 बार पीना है आपको, तो आपकी ये जुमला परेशानियां ठीक होना मुमकिन है। चलिए बात कर लेते हैं वासुदेव जी से, एमपी से हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आदाब। आदाब आदाब जी। वासुदेव जी, मैं हकीम साहब पूछना चाह रहा हूँ, मैं क्लाइड एलोपैथिक बीमारी, क्लाइड जी, ऐसी गठान टाइप होती है, 1 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का साइज है करीब जी। हाँ, सीने पे है, सामने फ्रंट में। ठीक है, अच्छा। तो इसका एलोपैथी इलाज लिया, कुछ फायदा हुआ नहीं, इंजेक्शन भी लगाया मैंने, होम्योपैथ का भी इलाज लिया, पर कुछ फायदा हो नहीं पा रहा। अच्छा, इसका रंग कैसा है? रंग तो अपने शरीर के रंग से मिलता है, ब्लड का सर्कुलेशन है इसमें। अच्छा, ये सुन है? नहीं, सुन नहीं है, खुजली चलती है इसमें, थोड़ा सा आस पास खुजली चलती है, और अपन इसमें पहले हाथ में लगा पाता है, थोड़ा हाथ रख पाते हैं, पर 1 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर ये फैलता जा रहा है। ठीक है, अच्छा। देखिए, खाने का सोडा जो आपके किचन में इस्तेमाल होता है, ये लीजिए 100 ग्राम, और कलौंजी का नमक लीजिए 100 ग्राम, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, और ये मिक्स करके अलग रखिए, ये दोनों तो पाउडर ही फॉर्म में मिलते हैं, कलौंजी का नमक भी, कलौंजी का एस्टेक समझ लीजिए, और अलसी लीजिए,
अलसी समझते हैं आप, ज़रूर समझते होंगे, या किसी से पूछ लीजिए अलसी, सच भी कर सकते हैं अलसी, अपने घर में किसी फीमेल से ही पूछिए अलसी लीजिए, ऐसे 300-400 ग्राम अलसी खरीद लीजिए, इसको साफ सूफ करके हल्का सा भून के इसको पाउडर बना के रखिए, और ये एक चम्मच अलसी, और इसमें जो ये खाने का सोडा और ये नमक कलौंजी मैंने बताया, ये मिक्स हुई हुई होनी चाहिए, तो इसमें से 2 चुटकी लेकर आप इसमें मिला दीजिए और इसको पानी से खाइए, दिन में 1 बार या ज़्यादा ज़्यादा 2 बार, और ये मटेरियल ख़त्म होते होते आपकी परेशानी का ठीक होना मुमकिन है।